गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और गाइस आज हम बात करने वाले हैं टू बाइक्स के बारे में, जो कि इंडिया मार्केट के अंदर बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। और मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस कि आपको कौन सी बाइक के लिए रखना चाहिए या फिर आपकी आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो ना भूलें, क्योंकि गाइस दोनों ही बाइक इस चैनल पर आने वाली हैं और दोनों की गाइस आपको रिव्यू और सारे टेस्ट इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहली चीज़ गाइस, दो बाइक इंडियन मार्केट के अंदर आएंगी, तो उन दोनों बाइक के पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ गाइस। पहली जो बाइक है उसका नाम है गाइस यहाँ पे यामा MT125, और दूसरी बाइक जो कि गाइस आई थिंक नेक्स्ट मंथ ही लॉन्च होने को है, जिसका नाम है पल्सर N160। तो गाइस ये दोनों बाइक का थोड़ा प्राइस में आप देखेंगे, प्राइस के हिसाब से ही मैं आपको फीचर बताने वाला हूँ। और दोनों बाइक जो भी इंडियन मार्केट के अंदर आएंगी तो गाइस आपको देखने को मिलेंगी कि कौन सा बाइक आप लेना चाहिए आपको मेरे हिसाब से, तो वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ गाइस, जो यामा की बाइक रहती है यामा MT125, उस बाइक की यहाँ पे पहली चीज़ आपको बता दें गाइस, वो एक बाइक एक तरीके से आप देखेंगे तो एवरेज परफेक्ट यानी माइलेज परफेक्ट बाइक रहने वाली है, क्योंकि उसका जो इंजन है वो 125 cc का होगा। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है वो बाइक इसको बिल्कुल अच्छे से कंपेयर करेगी, ऐसा नहीं है इससे पावर में कम हो। पावर में गाइस आपको ऑन पेपर जरूर वो कम देखने को मिलती है, लेकिन एक्चुअली वो कम होगी नहीं, क्योंकि गाइस उस बाइक के अंदर आपको पता ही होगा कि यामा की जो भी बाइक अगर 150 cc की है तो वो 200 cc वाली बाइक को यानी कि 200 cc बाइक को टक्कर देती है। तो गाइस इसी तरीके से इस बाइक के अंदर भी आपका जो 125 cc का जो इंजन है वो काफ़ी तगड़ा है और काफ़ी रिफाइनमेंट देखने को मिलेगा, जो कि पल्सर N160 को काफ़ी आराम से कम्पीट कर सकता है। गाइस अभी मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ MT125 की, जो कि नया मॉडल आने वाला है इंडिया के अंदर इनका। तो गाइस इसका जो मैक्सिमम पावर रहेगा वो 14.7 HP रहेगा, जो कि 10,000 RPM तक जाएगा। इसका न्यूटन मीटर टॉर्क की बात कर लें तो 11.5 Nm टॉर्क रहेगा, जो कि 8,000 RPM तक जाएगा। गाइस इसका इंजन है 124 cc का इंजन रहेगा, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक, ठीक है। तो गाइस 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर गाइस आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा, ये बात आपको याद में रखनी है। आप अगर आप डबल चैनल ABS सोच रहे हैं तो इसके अंदर भी आपको डुअल चैनल ABS देखने को नहीं मिलेगा। और भाई हम बात कर लें पल्सर N160 की, तो उसके अंदर काफ़ी हद तक चांस है कि डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाए। अगर डुअल चैनल ABS देखने को नहीं मिलता तो फिर गाइस अगर उसके अंदर सिंगल चैनल आता है तो फिर दोनों ही बाइक लेने लायक होंगी। अपने हिसाब से आप देख लेंगे कि आपको क्या लेना है, लेकिन फिर भी मैं गाइस आपको इस वीडियो में लास्ट तक क्लियर तो कर ही दूंगा कि आपको किस बाइक के साथ जाना चाहिए। अब बात कर लें यहाँ पे गाइस यामा की, तो यामा एक परफेक्ट बाइक बनाता है जिसकी रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन बजाज भी पीछे नहीं रहता। आपको पता ही होगा कि पल्सर की कितनी सारी बाइक इंडियन मार्केट में आके रखी हैं और उनके बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फैन है, लेकिन यामा की कुछ मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, यामा की ब्रांड वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। तो गाइस बात कर लें यहाँ पे हम पल्सर N60 की, तो गाइस उसका जो एक मॉडल आता था ठीक है NS250, तो मॉडल जो उसका वहाँ से लुक से बिल्कुल सेम वहीं से रहने वाला है, थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाएगा, बाकी केवल इंजन में चेंजेस रहने वाले हैं। LED लाइट रहेंगी सेम गाइस, आपको इंडिकेटर आपको बल्ब में देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आपको LED इंडिकेटर देखने को मिले, तो बल्ब भी इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। और इसकी जो डिस्प्ले है गाइस वो भी आपको इस बार मेरे को लगता है कि आपको एक डिजिटली स्मार्ट बाइक कनेक्ट के साथ मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट के साथ आपको डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी, तो उसका जो कंसोल मीटर है वो भी नॉर्मल रहने वाला है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन MT125 का जो कंसोल मीटर रहेगा, स्पीड मीटर रहेगा, टेकोमीटर रहेगा, वो डिजिटल रहेगा यानी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आएगा। तो गाइस हम बात कर लें दोनों बाइक की प्राइस के बारे में, तो प्राइसिंग का भी सीन थोड़ा थोड़ा रहने वाला है। जो यामा की जो बाइक रहने वाली है वो 130 एक्सोरूम से स्टार्ट हो जाएगी, और जो पल्सर की है वो 140 lakhs के आसपास से एक्सोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाएगी। तो बाकी गाइस जब लॉन्च होगी तब तो हम आपको सारा कंपेरिजन करके बता ही देंगे। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दें कि आप कौन सी बाइक लिए वेट कर रहे हैं, MT125 या फिर पल्सर N160। दोनों ही बाइक एकदम इंडियन मार्केट में काफ़ी जल्द लॉन्च होने वाली हैं। एक्चुअली जो पल्सर N160 है वो तो इसी मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएगी। तो गाइस आई होप सो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे भी किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।